In this question, two spheres P and Q of equal radii have densities rho 1 and rho 2 respectively. The spheres are connected by a massless string and placed in liquids L1 and L2 of densities rho 1 and rho 2 and viscosities eta 1 and eta 2 respectively. They float in equilibrium with the sphere P in L1 and sphere Q in L2 liquid and the string being taut that means case string retention if the sphere P alone in L2. हैज़ टर्मनल वेलोसिटी वी पी एंड क्यू अलोन इन वन हैज़ टर्मनल वेलोसिटी वी क्यू देन तो इसमें कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है तो एक बार जो डेटा यहाँ पर इनिशियली दिया गया है उसका यूज़ करते हुए हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इनके डेंसिटीज़ के बीच में तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ कि ये जो तो सारा सिस्टम है वो इक्लिब्रियम में है और स्ट्रिंग में टेंशन है अगर मैं पी और क्यू का फ्री वो डायग्राम यहाँ बना लूँ और स्टरिंग को भी अगर मैं अपने सिस्टम में यहाँ पर ले लूँ दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है इसका मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा और उसके साथ साथ इनका जो सबज्ड वॉल्यूम है क्योंकि कंप्लीटली सबजड है तो इनका सम्मज्ड वॉल्यूम भी सेम होगा यहाँ पे तो मैं इनके वॉल्यूम को वी के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ तो ये पी है और यहाँ पे क्यू है तो अगर मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे ले लिया इसके साथ में तो फिर मेरे को टेंशन इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है तो इस पर एक तो बायंसी फोर्स आ रहा होगा एक इसका वेट इस पर भी एक बायंसी फोर्स आ रहा होगा और एक इसका वेट है तो जितना अपवर्ड फोर्स है उतना डाउनवर्ड होना चाहिए फॉर एक्लिब्रियम तो फॉर एक्लिब्रियम बी पी प्लस बी क्यू दिस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू पी प्लस डब्लू क्यू जो डेंसिटीज़ यहाँ पर मैंशन की गई हैं तो स्फेयर्स के जो डेंसिटीज़ हैं वो हैं रो के टर्म्स में और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा के टर्म में है सिग्मा वन सिग्मा टू तो जब मैं बाइंसी फोर्स लिखूंगा तो उसमें लिक्विड की डेंसिटी आएगी और जब मैं वेट लिखूंगा तो उसमें इन बॉडीज़ की डेंसिटी आएगी यहाँ पे तो बी पी जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वन और वॉल्यूम को मैं वी एज्यूम कर रहा हूँ इंटू जी सिगमा टू वॉल्यूम वी इंटू जी इसके साथ में यहाँ पे रो आएगा तो रो वन वी इंटू जी और ये रो टू वी इंटू जी ये वी इन्टू जी का फैक्टर दोनों साइड कॉमन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा सिग्मा वन प्लस सिगमा टू दिस इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू तो एक रिलेशन हमारे पास में डेंसिटीज़ के बीच में ये आ गया तो ये एक रिलेशन हो गया इसमें इसके अलावा अभी हमने स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए उसके लिए स्पेसिफ़िकली अभी कोई कंडीशन लिखी नहीं है तो उसकी भी कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इनके इंडिविजुअल फ्री वो डायग्राम को विजुलाइज़ कर लेता हूँ वैसे बिना विजुलाइज़ किए भी बिना फ्री वो डायग्राम बनाए भी मैं यहाँ पर इसको विजुलाइज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में टेंशन हो तो मैं अगर पी के फ्री वो डायग्राम को विजुलाइज़ करूँ तो यहाँ पर टेंशन यानी कि डाउनवर्ड फोर्स तभी आ पाएगा जब बाइंसी फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगे तो बाइंसि फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगा तब जाके स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन आ पाएगी तो बाइंसिक फोर्स ज़्यादा होने के लिए क्योंकि वी और जी का फैक्टर तो वही है वही वॉल्यूम इसमें भी आएगा वही वॉल्यूम इसमें भी आएगा यहाँ पर तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड की डेंसिटी है सिगमा वन वो इसके डेंसिटी रोवन से यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसको मैं यहाँ पर फ्री हुए डायग्राम बना के कर देता हूँ तो सेपरेटली अगर मैं पी का फ्री हुए डायग्राम बनाता हूँ तो ऊपर यहाँ पर यह बाइंसि फोर्स है ये इसका वेट है और टेंशन फोर्स यहाँ पे इस तरीके से लग रहा होगा तो अगर मैं बायसी को लिखूँ तो दिस इज टेंशन प्लस वेट ठीक है अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को मैंने बैलेंस कर दिया और यहाँ से दिख रहा है कि बाइंसी फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वेट और बायसी फोर्स जब आप लिखोगे तो उसमें सिग्मा का फैक्टर आएगा और इसमें रो का फैक्टर आएगा तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सिग्मा वन इज़ ग्रेटर देन रो वन ठीक है एक रिलेशन ये यहाँ से मिल जाएगा इसमें इसी तरीके से आप Q का इंडिविजुअल फ्री वो डायग्राम बनाओगे तो Q के इंडिविजुअल फ्री वो डायग्राम में दिस इज द बाइंसी स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स और ये इसका वेट तो वैसे ये क्लियर है कि स्ट्रिंग में टेंशन आने के लिए जरूरी है कि ये वेट ज़्यादा होना चाहिए दिस वेट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस बाइंसी फोर्स लेकिन उसको अगर मैं इक्वेशन के थ्रू लिखता हूँ तो टी प्लस बी क्यू दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो डब्ल्यू क्यू है ये जो वेट है वो बायंसी फोर्स से ज़्यादा है और वेट लिखने में यहाँ पर रो का फैक्टर आता है तो दिस इज़ रो टू वी जी और यहाँ पर सिगमा टू वी जी तो यहाँ से भी एक रिलेशन हमको मिल गया कि रो टू इज ग्रेटर देन सिगमा टू इसके अलावा एक रिलेशन आप यहाँ पर यह ज्यूम कर सकते हो इसमें कि क्योंकि लिक्विड सिगमा वन वाला ऊपर है और सिगमा टू वाला लिक्विड यहाँ पर नीचे है तो एक तरीके से ये लिक्विड ऊपर ये नीचे तो जो हल्का लिक्विड है जो यहाँ पर जिसका वेट कम जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर होना चाहिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होना चाहिए तो यहाँ से आप ये एज्यूम करके चल सकते हो सिग्मा वन इज़ ग्रेटर देन सिग्मा टू अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम और सिचुएशन सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे ये यह सिग्मा वन ऊपर वाली डेंसिटी कम होनी चाहिए नीचे वाली डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए सिग्मा टू इज ग्रेटर देन सिग्मा वन अब जितने भी हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन आए हैं उन सभी को आप एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो जिससे सिग्मा टू जो है वो सिग्मा वन से बड़ा है यहाँ पर तो सिग्मा वन छोटा है यहाँ पर और आप यहाँ पर ये यह देख सकते हो कि सिग्मा वन खुद रो रोवन से बड़ा है इसका मतलब रो रोवन यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा रो रोवन इज़ द स्मॉलेस्ट तो रो रोवन स्मॉलेस्ट है यहाँ पे। रो रोवन के बाद में ने आप नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो सिग्मा वन और सिग्मा वन से जो सिग्मा टू है वो बड़ा है यहाँ पर तो उसके बाद में नंबर आ जाएगा सिग्मा टू का और सिग्मा टू से यहाँ पर जो रो रोटू है वो बड़ा है तो लास्ट में नंबर आ जाएगा रो रोटू का तो जो भी कुछ दिया गया उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस तरीके की एक इनिटी इस तरीके के एक ऑर्डर यहाँ पर बन जाएगा जितने भी ये फोर डेंसिटीज़ ऑब्जेक्ट्स और लिक्विड के यहाँ पे दी गई हैं अब इसके बाद में कुछ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड आगे यहाँ पर बात की जा रही है और उसी का रेशियो और कुछ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात आ रही है यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट तो सिंपली यहाँ पर यह है कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब वो एक तरीके से उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल या तो नाइन्टी डिग्री से छोटा हो जाए या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए यहाँ पे हम मुझे लगता है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही होगी सर तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए वर्टिकली या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए वर्टिकली तब यहाँ पे लेस देन जीरो आ जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटीज यहाँ पर अब देखते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी अब किसकी देखनी है तो ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को सही से पढ़ना है यहाँ पे इफ इज फेयर पी अलोन इन एल टू तो पी सिर्फ अगर एल टू में होता अब आप यहाँ पर ये सारा स्ट्रिंग और इनको भूल जाओ और पी अगर सिर्फ एल टू में होता फ्री ठीक है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वी पी होती और क्यू अगर सिंपली एलवन में अलोन होता अकेला होता तो उसकी टर्मिनल बिलासिटी वी क्यू होती तो एक बार देखते हैं कि इनके डायरेक्शंस और इनके मैग्नीट्यूड्स किस तरीके के आ रहे हैं जिनसे उनका हम रेशो ले पाएँ तो हमें सिचुएशन यहाँ पर ये यह दी गई है कि सपोज़ एक कंटेनर में अगर यहाँ पर पी अकेला होता और जो लिक्विड है वो एल टू होता और उसकी डेंसिटी फिर सिग्मा टू होती है यहाँ पर तो उस केस में इसके टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर वी पी के बराबर तो आप देखो कि यहाँ पर इसकी खुद की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर रोवन है पहले आप इन दोनों में रिलेशन देख लो सिग्मा टू और रोवन में रिलेशन किस टाइप का है तो सिग्मा टू और रोवन सिग्मा टू यहाँ पर ज़्यादा है यानी कि लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे वन इज़ बाइंसी फोर्स वन इज़ वेट तो बाइंसी फोर्स अगर वेट से ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा और ऊपर चलता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और स्पीड या वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इस पर विस्कस फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी वी पी तो इस पर विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ऊपर जाने की तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा और कभी ना कभी यहाँ पर इस पर फोर्सेज बैलेंस हो जाएंगे कभी ना कभी विस्कस फोर्स इतना हो जाएगा जो कि बाइनसी और डब्लू का जो डिफरेंस आ रहा था उसको बैलेंस कर लेगा तो जब मेरे को टर्मिनल स्पीड निकालनी होती है तो मैं फोर्सेस को बैलेंस कर लेता हूँ तो डब्ल्यू प्लस विस्कस फोर्स तो बी इज एक टू डब्लू प्लस भी इसमें आप जस्ट वैल्यूज़ रख लो तो बायसी की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा टू आएगा उसमें सिग्मा टू वी जी वेट जो आप लिखोगे तो रोवन वी जी हो जाएगा और जो विस्कस फोर्स है वो हो जाएगा सिक्स पाई ईटा ईटा यहाँ पे लिक्विड नंबर टू के लिए ईटा टू है रेडियस इसकी आर एज्यूम कर लेते हैं <coughs> रेडियस इज आर और इसके टर्मिनल वेलोसिटी वी पी जो वी पी का एक्सप्रेशन यहाँ पर बनेगा दैट एक्सप्रेशन विल बी सिग्मा टू माइनस रोवन इंटू वी जी कॉमन और डिवाइडेड बाय सिक्स पाई ईटा टू आर ठीक है ये इसका बन गया यहाँ पर इसी तरीके से अब इस कैलकुलेशन को आप रिपीट कर लो क्यू के लिए क्यू अलोन यहाँ पर अगर एल वन में होता तो अब एल वन के लिए डेंसिटी सिगमा वन है और इसके खुद की डेंसिटी रोटू है तो रोटू और सिग्मा वन का आप देख लो तो रोटू और सिगमा वन तो रोटू ज़्यादा है रोटू ज़्यादा होने का मतलब इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे चल पड़ेगा तो वेट नीचे और बाइंसिक फोर्स ऊपर वेलोसिटी नीचे आएगी अब देखिए यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे उसका आंसर तो अब यहीं से आ गया उसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है कि जो P की वेलोसिटी है वो ऊपर होगी और Q की वेलोसिटी नीचे होगी तो डॉट प्रोडक्ट फिर यहाँ पर इनका नेगेटिव हो जाएगा एटलीस्ट ये तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जिसमें डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है ये आंसर तो होगा ही होगा बाकी हमें बस यहाँ पर अब इनका रेशो देख लेना है कि रेशो किस टाइप का आ रहा है इनके मैग्नीट्यूड्स का तो इसके बाद में तो यहाँ पर अब क्योंकि ये नीचे चलेगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बी प्लस वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू और जो आप इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करोगे यहाँ पे रखोगे इसमें वैल्यूज़ तो ये सिग्मा वन वी जी हो जाएगा दिस इज सिक्स बाय स्टॉक्स लो ईटा वन आर इन टू वी क्यू और जो वेट है वो रो टू वी जी वगैरह हो जाएगा यहाँ से आप इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो तो टर्मिनल वेलोसिटी रो टू माइनस सिगमा वन वी जी डिवाइडेड बाय सिक्स पाई ईटा वन इन टू आर तो पी और क्यू का जब मैं यहाँ रेशो लूँगा इन जस्ट मैंने मैग्नेट्रूट्स खुद ही मैंने मैगनीट्रूट्स लिखे हैं यहाँ पर तो अलग से अब कोई मॉड लेने की जरूरत नहीं है तो इनका जब मैं रेशो लूँगा तो एक फैक्टर यहाँ पर बाकी के फैक्टर तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएंगे लेकिन एक फैक्टर बचेगा जो कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका ईटा टू ईटा वन का एक फैक्टर बचेगा बाकी का फैक्टर सिगमा टू माइनस रो वन और रो टू माइनस सिगमा वन का भी होगा लेकिन उसमें फिर हमारी ये जो एक इक्वेशन है ये काम में आ जाएगी इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करो तो रीअरेंज करके यू कैन राइट रोवन को आप इधर ले आओ तो सिगमा टू माइनस रोवन और सिगमा वन को उधर ले जाओ तो सिग्मा टू रो सिग्मा तो रूट टू माइनस सिगमा वन तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पर वही क्वांटिटीज अपेयर हो रही हैं तो जब मैं रेशो लूँगा तो ये क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी सिर्फ यहाँ पर ईटा बचेगा तो जो आप इसका रेशो लोगे वी पी बाई वी क्यू तो नीचे ईटा टू ऊपर ईटा वन आएगा तो ईटा वन डिवाइडेड बाई ईटा टू तो ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है तो ए विल बी द करेक्ट आंसर तो इसके दो आंसर करेक्ट होंगे ए एंड डी